अब देखते हैं क्या ये भैया भटूरा बुला पाएंगे। ओ जय हो। और ये भैया ने हमारे बुला दिया भैया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं सीताराम स्पेशल छोले भटूरे खाने। यहां की जो भैया ने शुरुआत तो देखो बहुत सारी चीजें की कर रखी है, चुरचू नान, पनीर चुरचू नान। नान खाने हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन आज आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये छोले भटूरे। देख सकते हो किस तरीके से लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे इस टाइम में भीड़ बहुत कम है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये भीड़ है तो ये भीड़ बहुत कम है। दूर दूर तक आप देख रहे हो ये भीड़ बहुत कम है, यहाँ पे बात करने तक का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे ये पहाड़ जैसे लगे हुए हैं, ये पूरा पहाड़ लगता होगा भैया ये तो छोले का, है ना। कम हो गया, कितने बजे से लग जाती है दुकान? 7 बजे सुबह। 7 बजे। अच्छा 7 बजे से लग जाती है दुकान। और आप देख सकते हो इस साइड देखो आप कितने फूले फूले भटूरे बन रहे। अब ये तो हो गई है हमारी बात, और बात करने के बाद अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा हमारी प्लेट कितने की है वो बताऊंगा आपको। और एक बार ये छोले चला के दिखाओगे अब भैया? ये देखो आप कितने बढ़िया तरीके से गाढ़े गाढ़े छोले हैं ये। भैया नान कब से शुरू करोगे? एक हफ्ते बाद नान शुरू करेंगे, तो मैं वो नान भी दिखाऊंगा। आइए हम यहाँ पे ओनर भी एक भैया है उनसे भी बात करते हैं, जो मतलब काउंटर पे खड़े हैं, उनसे पूछ के बताता हूँ मैं आपको कितने टाइम से लगी हुई है। शायद अंदर बैठ, अच्छा अंदर जाके हम खा सकते हैं। और यहाँ पे भी स्टूल वगैरह लग रखा है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो भाई से बात करता हूँ मैं। भाई राम राम। क्या हाल है भाई? ठीक है जी। ठीक हो? बढ़िया। कब से शुरू कर रखा है भैया का? 9 साल हो गए जी। 9 साल जी। मैंने सुना इंदिरापुरम तक फेमस हो आप। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, ये सब है, सभी जानते सीताराम छोले भटूरे। अच्छा, तो ये है भैया की दुकान और सीताराम छोले भटूरे। एड्रेस मैं अभी पूछ के बताता हूँ और अब चलता हूँ अपनी प्लेट लगवाता हूँ मैं। और कितने रुपए का है भैया छोले भटूरे? 40 रुपए। 40 रुपए प्लेट है। और 30 रुपए का एक पीस, 40 के दो पीस, है ना। तो पहले हम एक पीस लेंगे, अगर दो पैक खा पाए तो दूसरा भी ले लेंगे। और ये देखो आप, ये हैं यहाँ पे कारीगर जी, ये हैं हमारे कारीगर जी। इनकी स्माइल देखो आप, क्या बात है। और इन्होंने मास्क लगा रखा है, वाह। आप देख रहे हो ये पेड़े, यहाँ पे पेड़े ढके हुए रहते हैं पहले ही। अच्छा पनीर वाली स्टफिंग, पनीर डालते होगे आप इसके अंदर? एक करके दिखाओ, एक पेड़ा तैयार करके दिखाओ। अच्छा ये जरा हटा के दिखाना, पनीर है इसमें क्या है? ओए होए, पनीर और धनिया है ना, क्या बात है। ये भरा उस्ताद जी ने हमारे। और कितने साल से कर रहे हो? दो तीन साल, वाह। और अब देखते हैं क्या ये भैया भटूरा फुला पाएंगे, और क्या ये फुला पाएंगे, क्या ये पूरा फूल पाएगा भटूरा। और ये भैया ने हमारे फुला दिया भटूरा पूरा। जय हो, जय हो, जय हो। और ये भटूरा फूल चुका है। अब मैं अपनी एक सिंगल भटूरे की प्लेट लगवा लेता हूँ। और यहाँ पे एक भाई खड़े, क्या नाम है दोस्त आपका? सीताराम भैया। सीताराम, आपका नाम सीताराम है? हाँ जी भैया। तो क्या नाम है यार, क्या यहाँ पी की वजह से दुकान तो नहीं चल रही? नहीं, मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, क्या बात है यार। अच्छा यहाँ पे नाम भैया का लगा मुझे, सीताराम। जय हो, जय हो। एक भटूरे की प्लेट लगाता हूँ भैया, एक प्लेट लगा दो। और धीरे धीरे भाई, थोड़ा धीरे धीरे। पहले भैया ने, अच्छा आलू डालते हो। और ये आ गया है छोले, उसके बाद सलाद भी भरपूर मात्रा में दे रहे हैं भैया। ओए होए, मिर्ची। अब इसमें एक सिंगल भटूरा रख देना आप। और ये एक सिंगल फूला हुआ भटूरा आ गया है। ओए हाय, क्या बात है। सूरज आओ, लो ले लो सूरज। तो हम खोल लेते हैं और अब टेस्ट करते हैं बढ़िया से। और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, क्रिस्पी। ओहो, एक बार ये दिखाओ सूरज, ये दिखाओ पनीर, दिखाओ। ओए होए, क्या बात है। अब चलते हैं, एक कोर खाएंगे बढ़िया सा, बड़ा सा कोर लेंगे। इस कोर के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे आलू की तरफ, दिखाओ सूरज आलू की तरफ। इसे आलू डाल लिया है, और ये डाल लिया है हमने इसमें प्याज का टुकड़ा, ठीक है। बहुत शानदार टेस्ट है, और क्वालिटी का तो भैया ने बहुत मेन फोकस दे रखा है। और छोले यहाँ पे
गाढ़े गाढ़े एकदम बढ़िया से हैं। एड्रेस में पूछो बताऊंगा। और आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम सभी को।